हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कुछ पांच ऐसे क्रीपर्स के बारे में बात करेंगे जो फ्लावरिंग क्रीपर्स हैं और जिनमें समर्स में और मॉनसून में हैवी फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा उन्हें केयर की और मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट्स को हम बहुत आराम से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो पाँच फ्लावरिंग क्रीपर्स। तो लिस्ट में हमारा पहला प्लांट है गार्लिक वाइन। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर के फ्लावर्स में आता है, लेवेंडर कलर के। और इस फ्लावर की खूबसूरती ये है कि पहले ये डार्क पर्पल कलर का खिलता है और धीरे धीरे ये वाइटिश सा होता जाता है झड़ने के पहले, सूखने के पहले। ये प्लांट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, गार्लिक वाइन, इसका फ्लावर और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल लहसुन जैसी खुशबू करती हैं। अगर आप उसे क्रश करेंगे बिल्कुल लहसुन जैसी महक आएगी। इवन आप इसकी पत्तियों को, अगर आपके पास लहसुन नहीं है और आपको यूज़ करना है अपने किचन में, तो आप उसको भी एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक का सब्स्टिट्यूट की तरह। दूसरी बात, इस प्लांट का हर एक पार्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इसको मेडिसिंस वगैरह में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए फुल सनलाइट चाहिए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए प्लांट में तो। अगर इसे 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गार्लिक वाइन में सिर्फ इसी कलर के फ्लावर्स आते हैं और किसी कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं। और इसमें फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं जब गर्मियाँ शुरू होती हैं या अर्ली समर्स कह सकते हैं आप। मॉनसून के सीज़न में इसमें बहुत ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, भर के बंच में फ्लावर्स खिलते हैं। आप देख सकते हैं बंच में बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये। और इसमें फ्लावर्स आते हैं अक्टूबर तक। इस प्लांट को इसकी कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। एक सेमी वुड कटिंग लें, बहुत हार्ड नहीं, बहुत थिक कटिंग ना लें, और उसको आप किसी भी तरह के सॉइल में आराम से ग्रो कर दें। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। फ्लावर्स इसमें इसी सीज़न में आते हैं, समर्स और मॉनसून में। बाकी राउंड द ईयर इसमें फॉलेज रहेगा, पत्तियां रहेंगी, प्लांट आपका हेल्दी दिखेगा। सबसे अमेजिंग बात इस प्लांट की ये है कि इसमें पेस्ट अटैक बिल्कुल नहीं होता है। आज तक मैंने इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है। लिस्ट में हमारा सेकेंड प्लांट है कार्डिनल एपोमिया। इसको क्रिम्सन एपोमिया भी कहते हैं। इसके कलर की वजह से डार्क पिंक मैजेंटा कलर के फ्लावर्स आते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये, बंच में खिलता है फ्लावर। खास बात इस प्लांट की ये है कि इसको आप फुल सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं और पार्शियल शेड में भी। दोनों ही जगहों पे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। समर्स और मानसून में इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली को बिलोंग करता है। और भी कई सारे इसके नाम हैं, जैसे लेडी डूरलीज, मॉर्निंग ग्लोरी, हो सकता है आप इस नाम से जानते हो, क्रिम्सन एपोमिया। खास बात क्या है, जैसा कि ये मैंने बोला कि मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली को बिलोंग करता है, तो उस फैमिली के फ्लावर्स सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। तो ये एक बार ये फ्लावर खिलता है तो 2-3 दिन तक बना रहता है पौधों में, फिर ये सूख के गिर जाता है। इसके अलावा इसको आप लगभग किसी भी तरह के सॉइल में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये आप जो समुंदर के किनारे लोग जो रहते हैं, बहुत ड्राई एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पे है, वहाँ पे ये प्लांट तो ग्रो कर सकते हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी ऐसी जगह पे। उसके अलावा आप लगभग हर जगह पे इसे बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की एक खास बात यह है कि इसमें पेस्ट अटैक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, स्पेशली विंटर्स के टाइम में। मतलब सर्दियों में जब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, ऑन एंड ऑफ कभी कभी आपको फूल दिख जाएंगे, उस टाइम पे इसमें मीली बग और वाइट पाउडरी मेल्ड्यू, ये दो ऐसे पेस्ट अटैक हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देंगे आपको। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो इन्फेक्टेड स्टेम्स हों उनको आप कट कर दीजिए ताकि वो इन्फेस्टेशन और आगे ना फैले पौधों में। और नीम ऑयल और सोपी वाटर का सोल्यूशन स्प्रे करें। आप यूकेलिप्टस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रंगून, जिसको मधुमालती भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बंच में इसके फ्लावर्स खिलते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। इसमें दो वेराइटीज़ आती हैं, एक बड़े फूलों वाली आती है और एक ही छोटे छोटे फूलों वाली जिसमें ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा ये फ्रैग्रेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इनमें। इसको ग्रो करने के लिए आपको ऐसी जगह ही चुननी पड़ेगी जहाँ पे इसे फुल सनलाइट मिले, यानी कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप मिलेगी तभी इनमें फ्लावर्स आएंगे। वरना अगर आप इसे पार्शियल शेड वाली जगह पर ग्रो करेंगे, फॉलेज तो ग्रो होगा, पत्तियाँ ग्रो होंगी लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। अगर बात करें इसके फ्लावरिंग सीज़न की, तो इसमें समर्स में और मॉनसून में
हैवी फ्लावरिंग होती है। आप समर्स में आपने देखा होगा, बट ये मानसून में भी बहुत खिलके फ्लावर्स आते हैं। और इसको अगर आप अपने बेडरूम के विंडोज़ के आसपास इसको लगाएं, जिसे ये चढ़ करके वहाँ तक आए, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। रात में बहुत ज़्यादा महकते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा महकते हैं। और एक बार ये फ्लावर खिलता है तो 2-3 दिन तक बना रहता है बंच में, फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लगता है। इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत आसान है, उसके लिए आपको हार्ड कटिंग नहीं लेनी है। कोशिश करें कि ऊपर की स्टेम की हल्की जो ग्रीन वाली स्टेम होती है वो कटिंग लें आप उसकी दो पत्तियों के साथ, और उसको आप आराम से कोकोपीट में लगा दें, कुछ दिनों में उसमें रूट्स आ जाएंगी। दूसरी बहुत ख़ास बात, इस प्लांट में मैंने आज तक पेस्ट अटैक नहीं देखा है। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होता है, क्रीपर है, आप ऐसी जगह लगाएं विंडोज़ के आसपास तो अंदर घर के अंदर तक इसकी खुशबू आएगी, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और ड्रॉट टॉलरेंट भी है, इसको डेली पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो पॉट्स में या बड़े कंटेनर्स में बहुत आराम से लगा सकते हैं। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है बोगनवेलिया। बहुत सारे कलर्स में आता है, या आपने रोड्स के किनारों पे बहुत देखा होगा कॉमनली ग्रो हुए, बहुत सारे कलर्स में, जैसे मैंने बोला रेड, पिंक, वाइट, येलो, शेडेड वंस, बहुत सारे कलर्स में, समर्स में और मानसून में हैवीली ब्लूम करता है। इसको लगभग कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, इवन अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। सो बेसिकली इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, अगर आपके पास ये प्लांट पॉट में है तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको इसको अंडर वाटरिंग करनी होगी। कम पानी डालेंगे तो इसमें फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, इसमें फॉलिएज ज़्यादा ग्रो होता है, लीव्स ज़्यादा ग्रो होंगी और फ्लावर्स कम आते हैं। बहुत ईजिली इसको स्टेम कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। रिकमेंड करूँगी मैं मानसून में इसको ग्रो करने के लिए इसकी कटिंग से। ये एक क्रीपर प्लांट है, लेकिन इसमें बुश वेराइटी भी आती है। हालांकि आप इस क्रीपर को भी ट्रिम करते हुए, प्रून करते हुए इसको आप एज अ बुश मेंटेन कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये पॉट्स में, कंटेनर्स में लग जाता है, बस कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पॉट हो आपका। फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट ही चाहिए। अगर आप इसको पार्शियल शेड में ग्रो करेंगे तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, सिर्फ फॉलिएज ग्रो होगा। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फर्टिलाइज़ नहीं भी करेंगे, लेकिन अगर आप वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आते रहेंगे। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी पेस्ट अटैक नहीं देखा है, तो बहुत ईजिली ग्रो होने वाला। एक इसमें दूसरी वेराइटी आती है जिसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं वाइट और ग्रीन में, तो वो वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ऑलमोस्ट विद नो केयर एंड मेंटेनेंस, और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट। लिस्ट में हमारा लास्ट प्लांट है अलमंडा। ये बुश वेराइटी और क्रीपर वेराइटी दोनों में आता है, और क्रीपर में इसमें दो कलर्स आते हैं, एक ये येलो, ब्राइट येलो कलर में, और दूसरा थोड़े पर्पल, पिंक पर्पल से टेक्सचर्ड में। बहुत इजी होता है इसको ग्रो करना, समर्स और मानसून में इसमें आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। ये भी ऑलमोस्ट पेस्ट अटैक फ्री प्लांट है, पेस्ट फ्री प्लांट है। बहुत खूबसूरत कनेर के जैसे इसके फूल लगते हैं। इसको भी आप कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं, इसको फ्लावरिंग के लिए फुल सनलाइट ही चाहिए। तो ये थे 5 फ्लावरिंग क्रीपर्स जो आपको बहुत आराम से किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे इनके प्लांट्स। और आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ प्लांट्स का मेरे सेपरेट वीडियो भी है, उनका भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उनको चेक कर सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ, बाय।